हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइनस प्लस एकेडमी एंड दिस इज़ माय नाइन्थ लेक्चर ऑन ग्राफ थ्योरी। सो टुडेज टॉपिक विल बी कट पॉइंट्स। सो सॉरी, कट पॉइंट्स एंड इट इज़ आल्सो नोन एज कट वर्टेक्स। कट पॉइंट्स आर आल्सो नोन एज कट वर्टेक्स। तो आइदर यू राइट कट पॉइंट्स और कट वर्टेक्स, इट इज़ द सेम थिंग। ओके, so let's move on to it. What is cut point or cut vertex? तब देखते हैं क्या है ये। So definition देखो, definition में क्या बोला है? The cut point of a graph is one whose removal increases the number of components. That is, g becomes disconnected. तो पहले मैं simple एक diagram देखते हैं देखो। This is the connected graph. This is the disconnected graph. And this is also a connected graph, but can easily made disconnected by removing the vertex G. Meaning ये, जी suppose इस graph का example लेते हैं अभी हम इस graph का example लेते हैं, that is blue color, और हम बोलते हैं blue color वाला से C को हटा देता है, I will remove the point C. So क्या बचेगा? A, B and D. तो देखो, I guess C वाला बचेगा, क्यों? जैसे ही सी को हटाया, मीनिंग ये है जैसे मैंने सी को हटाया तो सी से रिलेटेड जो भी वर्ट एज था वो भी रिमूव होगा। तो ये जो सी से रिलेटेड था ग्रीन कलर वाला एज वो रिमूव हो गया। तो रिमूव होने के बाद देखो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, पर अभी भी ये कनेक्टेड है। तो मीनिंग ये है कि कुछ कुछ ग्राफ ऐसा कनेक्टेड होता है जिसको कितना ही वर्टेक्स रिमूव क्यों ना कर लो हमेशा कनेक्टेड ही रहेगा। मतलब ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं होगा। मतलब इसमें अगर हम जब सी रिमूव किया तो जी माइनस सी, मतलब जी में से जब हम सी रिमूव किया तो जी माइनस सी इज नॉट डिसकनेक्टेड, दैट मीन्स इट इज कनेक्टेड। इस केस में ऑब्वियस बात है ये डिसकनेक्टेड है। तो इस केस में देखो, इस केस में क्या बोला, ये ग्राफ कनेक्टेड है। इस केस में देखो, वेट अ सेकंड, इस केस में देखो कि ए बी सी, इसमें क्या किया इन लोगों ने, डी को हटा दिया। तो डी को हटाने के साथ साथ डी के साथ जो जो एच जुड़ा हुआ था वो भी हट जाएगा, सीधा सा बात है। तो तुम देखो डी और ए कनेक्ट था वो हट गया, डी और बी कनेक्टेड था वो भी हट गया, और डी और सी भी कनेक्टेड था तो वो एच भी हट गया। तो आई गेस बचा सिर्फ ये दो जुड़ा हुआ है बाय द पॉइंट ए एंड बी। तो ए एंड बी जुड़ा हुआ है, तो तुम देख सकता है जैसे मैंने जी से, अगर हम सपोज इसी को नाम दे जी, तो जैसे मैंने जी से डी को रिमूव किया, दैट मीन्स जी माइनस डी, जैसे मैंने जी से डी को रिमूव किया तो ये जी माइनस डी क्या हुआ, वन कंपोनेंट अनदर कंपोनेंट। तो ये जी माइनस डी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया। और हम लोगों को मालूम है जब कोई ग्राफ कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है तो वो ग्राफ डिसकनेक्टेड होता है, हेंस जी माइनस डी इज कनेक्टेड। मतलब तो यहाँ पे हेंस जी माइनस डी कनेक्टेड हो गया, तो यहाँ पे D क्या हुआ, D इज द कट वर्टेक्स। क्यों कट वर्टेक्स इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये एक वर्टेक्स है, और इसको कट इसलिए बोला बिकॉज इसका हटने से ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाता है, इसीलिए इसको कट वर्टेक्स बोला। अब ये तो था यहाँ का एग्जांपल, हम और एक एग्जांपल लेते हैं जो यहाँ पे मेरा हम बनाया। देखो सॉरी, ये वाला लेता देखो, इसमें हम क्या करेगा, देखो ये मेरा ग्राफ जी दिया हुआ है। अब इफ यू इज द कट पॉइंट, अगर यू कट पॉइंट होता है तो यू को रिमूव करने से एक डिसकनेक्टेड ग्राफ मिलना चाहिए। तो तुम देख सकते हो जब यू को रिमूव किया तो ऐसा ग्राफ मिला, और इस तरफ ऐसे, और ऐसे डब्ल्यू, ये वी। तो जैसे मैंने यू को रिमूव किया तो ई से, यू से रिलेटेड जो जो एज था वो भी हट गया। देखो यू यहाँ पे था, हम कलर चेंज कर देता है, यू यहाँ पे था तो यू से एक वाई रिलेटेड था, यू से ये रिलेटेड था, और यू से ये रिलेटेड था। तो ये तीन एज था जो यू से रिलेटेड था, और सिंस यू ही गायब हो गया तो इसका एग्जिस्टेंस भी गायब हो गया, दैट मीन्स रेड कलर वाला एजेस भी नहीं रहेगा, जिसके कारण ये दो जी माइनस जी यू, मतलब जैसे हम यू रिमूव किया तो इवन के जी माइनस यू, जिसके कारण ये डिसकनेक्टेड हो गया। क्यों? क्योंकि ये कॉम्पोनेंट फॉर्म हुआ एंड ये कॉम्पोनेंट फॉर्म हुआ। ओके,
तो यहाँ पे डी, यहाँ पे यू हो गया कट पॉइंट, पर जरूरी नहीं है कि एक ग्राफ का एक ही कट पॉइंट हो, दूसरा भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, ये देखो, अब यहाँ पे यू रिमूव किया था, पर यू का जगह हम क्या रिमूव करेगा, वी. तो जैसे वी रिमूव करता है, तुम देखो, इस बार हम वी रिमूव कर रहा, वाई है, यू ऑलरेडी है. जैसे वी रिमूव किया तो सीधा सा बात है, वी के साथ एक्स एज है, ये जो एज है एक्स वाला, ये है, तो ये भी रिमूव होगा. फिर अगर वी रिमूव हो गया तो देखो, खाली ये दो बचेगा, एक इस तरफ ये दो और एक इस तरफ ये दो, जिसका नाम डब्ल्यू दिया हुआ है. अगर हम यहाँ पे ये नाम ऐड करें, जैसे कि पी क्यू, तो ये देखो, ये पी क्यू है, तो ये दो पी क्यू बच जाता है. क्यों? क्योंकि अगर तुम देखेगा, वी यहाँ पे था, वी किससे रिलेटेड था, इससे था, इससे था, इससे था, इससे था, इससे था, तो इस सारा ब्लू कलर का एज हट जाएगा. क्यों? क्योंकि वो वी इस ब्लू कलर एज से कनेक्टेड था. तो जैसे वी को गायब किया तो ये सारा कट गया. कटने के बाद क्या बचा, देखो, कटने के बाद हमको तीन कंपोनेंट मिल गया, और हैंस ये भी, यानी कि जी माइनस वी भी डिसकनेक्टेड है. तो यहाँ पे वी भी क्या हो गया, कट पॉइंट हो गया. तो वही, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बनाया भी है मैंने डायग्राम, तो डायग्राम दिया हुआ है, तुम लोग पीडीएफ फॉलो कर सकते हैं, हम सारा पीडीएफ डाल रहा है. तो कट पॉइंट उसी को बोलता है जिसका जिसको रिमूव करने से हम लोग का एक ग्राफ डिसकनेक्टेड बन जाता है. तो नेक्स्ट वाला में जाते हैं. डज ऑन रिमूविंग वी व्हाट वी गेट इज द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन जी माइनस वी. मीनिंग ये, जी में जैसे जी को हम जी माइनस वी बनाता है, तो ये डिसकनेक्टेड बनता है, तो ये डिसकनेक्टेड बनना मतलब क्या, इसका नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जनरेट होना, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आ जाएगा. तो यही लाइन इसमें बोला, इसमें कुछ खास नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए यही बात बोला. सो वेट अ सेकंड, सॉरी, हाँ, सो द मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स हुज रिमूवल मेक्स द ग्राफ डिसकनेक्टेड इज कॉल्ड के जी और वर्टेक्स कनेक्टिविटी. मतलब ये है, ये अब एक ग्राफ से जरूरी नहीं है एक ही एक वर्टेक्स रिमूव होने से वो ग्राफ डिसकनेक्टेड बन जाएगा. फॉर एग्जांपल, ये बेस्ट एग्जांपल है, देखो इसमें तुम किसी भी एक को रिमूव करो, लाइक किसी, अब हम सोच रहे ये ग्राफ हम खुद बनाया हो ना, या इसमें तुम किसी भी एक को रिमूव करो, जैसे तीन रेड है, तीन रेड में से किसी भी एक को रिमूव कर दो तो ये ग्राफ डिसकनेक्टेड नहीं बनेगा. फॉर एग्जांपल, हम इसको रिमूव करता है, इसको अगर रिमूव करेगा तो क्या बनेगा, ये देखो हम यहाँ पे बना के देखते हैं. देखो एक ग्राफ ये होगा, इसको सॉरी इसको तो रिमूव ही करिए ना, तो एक ये है ये पॉइंट, हम पूरा उसके जैसा बना रहा ताकि तुम लोग को समझने में प्रॉब्लम ना हो, ये नीला और एक ब्लैक कलर का ना, तो ब्लैक कलर का बचेगा, और नीला से ब्लैक कलर वाला ऑब्वियस से बात है ग्राफ चला जाएगा, बिकॉज हम रेड को हटा दिया. तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये भी अभी भी कनेक्टेड है. क्यों? रेड हटाने के बाद, यानी कि ये वाला वर्टेक्स हटाने के बाद बावजूद भी ये अभी तक कनेक्टेड है. तो देखो, एक वर्टेक्स हटाने में ये कनेक्टेड नहीं बना. सिमिलरली तुम ये रेड को हटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस रेड को हटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके. पर यहाँ पे अगर इस ब्लैक को हटा दो तो फर्क पड़ेगा. पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये इसको जोड़ के रखते हैं, ओके. अब यहाँ पे तुम इस ब्लैक को भी हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस ब्लैक को भी हटा देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब ये ग्राफ, ये जो जी ग्राफ हम दिया है, ये कनेक्टेड ही रहेगा. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक वर्टेक्स को हटाने पर ही ग्राफ कनेक्ट डिसकनेक्टेड बने. क्या पता दो को एक साथ हटाओ तो ग्राफ डिसकनेक्टेड बन जाए. फॉर एग्जाम्पल, दो को एक साथ हटाने का मतलब हम बताते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक और है, अगर हम इसको हटा दें, इसको अगर कम्प्लीटली हटा दें तो सीधा सा बात है, ये कितना कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा. अगर इस नीला को हटा दे तो देखो, तीन रेड एंड वन ब्लैक बचेगा, तीन रेड एंड वन ब्लैक, और इसमें सिर्फ
ये वाला एज रहेगा, देख सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी कनेक्टेड था। तो जैसे हम इसको हटा रहे, ये सारा नीला वाला हट गया, तो तुम देख सकते हैं ये कितना कंपोनेंट में डिवाइड हुआ, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट, तो ये तीन कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे भी इसका केजी क्या है, इसका केजी होगा 1। क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्टेक्स रिमूव करते ही ये बन गया। हम इसमें समझाने का कोशिश कर रहा था कि एक से ज़्यादा करने से होता है, पर ये ग्राफ वैसा बना नहीं, आई गेस हम बनाते से कुछ रॉन्ग कर दिया, तो ठीक है कोई नहीं। तो इसमें हम ये बता दिया कि इसमें एक वर्टेक्स रिमूव होते ही ये ग्राफ डिसकनेक्टेड बन गया। द हैंस मतलब यहाँ पे जैसे जी माइनस वो नीला वाला रिमूव किया, यानी कि जी माइनस नीला वाला को रिमूव, जी माइनस नीला वाला मेरा डिसकनेक्टेड बन गया जैसे मैंने नीला को रिमूव किया। सो यहाँ पे के जी 1 है। पर एक ग्राफ और है जो मैंने बनाया है यहाँ पे, देखो ये ग्राफ लो, ये जो मैंने बनाया हुआ है, इसमें ये जो बनाया हुआ है इसको लो। इसमें देखो तुम इसमें ए को रिमूव करो या बी को करो या सी को करो या डी या एफ या जी या एच या आई, किसी भी वर्टेक्स को रिमूव करो, ये ग्राफ डिसकनेक्टेड नहीं बनेगा। हम एक एग्जांपल लेके बताया था, जैसे कि हम डी को रिमूव कर दिया, हाँ, तो जैसे ही हम डी को रिमूव करेगा तो देखो क्या होता है, ए बी सी ई एफ आई एच जी, तो देखो देखो ये ग्राफ करीबन करीबन ऐसा बन जाएगा। मतलब ये जो डी से रिलेटेड जो जो एजेस था, डी से रिलेटेड, ये डी से रिलेटेड जो जो एजेस था ये सारा हट गया। डी से रिलेटेड कौन कौन सा था, हम रेड कलर में डिनोट करता, ये था और ये था, ये सारा हट गया। ये हटने के बावजूद भी दैट मीन्स जी माइनस डी तुम्हारा अभी भी कनेक्टेड है, देखो अभी भी कनेक्टेड है, ये कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं हुआ। तो इस ग्राफ के केस में हम कंफर्म है, तुम किसी भी वर्टेक्स को रिमूव कर दो नहीं बनेगा। तो इसमें सीधा सा बात है, इसमें एक वर्टेक्स काम नहीं आएगा। पर तुम देखो डी तो रिमूव किया, अब अगर हम डी के साथ साथ देखो सी को भी रिमूव कर दे, तो जैसे सी को रिमूव करेगा तो सी रिमूव होते ही ये एज और ये एज ये भी गायब हो गया। तो जैसे ही सी को भी रिमूव किया तुम देख सकते हो ये दो कंपोनेंट में बढ़ गया, जैसे दो कंपोनेंट में बढ़ गया तो ये ग्राफ तुम्हारा डिसकनेक्टेड बन गया। तो यहाँ पे क्लियरली तुम बोल सकते हो डी कोमा सी आर कट पॉइंट्स एंड के ऑफ जी इक्वल टू 2। क्यों? के ऑफ जी क्या था, द मिनिमम नंबर, द मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स हुज रिमूवल मेक्स द कनेक्टेड ग्राफ डिसकनेक्टेड। मीनिंग है कि नंबर ऑफ वर्टेक्सेस कितना तुम रिमूव करने से ग्राफ डिसकनेक्टेड बनेगा। तो पहला केस जब हम ट्राई किया था, हम देखा एक एक रिमूव करने पे डिसकनेक्टेड हो ही नहीं रहा है, पर जैसे दो एक साथ रिमूव किया ये डिसकनेक्टेड बन गया। तो हैंस यहाँ पे के जी होगा 2। क्यों? क्योंकि इसमें दो वर्टेक्स को रिमूव करते मेरा ग्राफ डिसकनेक्टेड बन गया। तो ऐसा ग्राफ देखो, व्हाट इज के वर्टेक्स कनेक्टेड, हम यहीं पे बता देते हैं। तो ए ग्राफ जी इज सेड टू बी के वर्टेक्स कनेक्टेड ग्राफ ऑफ के ऑफ जी ग्रेटर देन ऑर इक्वल टू के इफ एंड इफ कनेक्टेड ग्राफ इफ के ऑफ जी ग्रेटर देन ऑर इक्वल टू के, वो देख भी नहीं था। मीनिंग है कि ऐसा ग्राफ जिसका मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स को रिमूव करे बिना वो डिसकनेक्टेड नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो ये वाला डायग्राम ले रहा हूँ, ये वाला, तो इसमें इसमें हम एक वर्टेक्स रिमूव किया कोई फायदा नहीं हुआ, पर इसमें जैसे दो रिमूव किया हमको पता चला ये डिसकनेक्टेड बन गया। मतलब जैसे दो रिमूव किया ये डिसकनेक्टेड बना, अगर दो नहीं करता तो ये कनेक्टेड रहता, इसलिए इस टाइप का वर्टेक्स को बोलता है, इसलिए इस टाइप का वर्टेक्स को बोलता है टू वर्टेक्स कनेक्टेड। क्यों? जब तक दो वर्टेक्स नहीं हटाएगा तब तक ये कनेक्टेड रहेगा, जैसे दो वर्टेक्स हटा दिया ये कनेक्टेड नहीं रहेगा, जैसे दो वर्टेक्स हटा दिया ये कनेक्टेड नहीं रहेगा। तो ये हम इस टाइप का ग्राफ को बोलेगा टू कनेक्टेड ग्राफ। तो एक टू वर्टेक्स कनेक्टेड ग्राफ, तो एक ग्राफ के कनेक्टेड कब होगा, मतलब के वर्टेक्स कनेक्टेड कब होगा,
जब उस ग्राफ में मिनिमम के वर्टेक्स को रिमूव करने से हमको ग्राफ डिसकनेक्टेड मिलेगा, बट अगर के से कम करें, जब के माइनस वन वर्टेक्स को रिमूव करे तो वो ग्राफ डिसकनेक्टेड नहीं होता, वो कनेक्टेड ही रहता है, पर जैसे के करेगा वो ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाएगा, एंड हेंस हम उस टाइप का ग्राफ को बोलते हैं के वर्टेक्स कनेक्टेड ग्राफ। तो सिमिलरली ये जो एग्जांपल दिया ये टू कनेक्टेड ग्राफ है, टू वर्टेक्स कनेक्टेड, क्यों? क्योंकि इसमें मिनिमम दो को रिमूव करने से मेरा वो हो जाता है, डिसकनेक्टेड हो जाता है। आई गेस नहीं समझा तो इसको एक बार मैंने वापस से बैकवर्ड जाके वापस देखना, कोई डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हमको। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोला, के जी ऑफ कम्प्लीट ग्राफ इज जीरो, के ऑफ जी ऑफ कम्प्लीट ग्राफ इज जीरो, मतलब ये हम एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हो, स्क्वायर दिस इज एन कम्प्लीट ग्राफ, ये एक कम्प्लीट ग्राफ है, और इसको तुम किसी को भी रिमूव कर लो, इसको रिमूव करेगा तो भी कनेक्टेड होगा, इसको रिमूव करेगा तो भी कनेक्टेड होगा, इसको रिमूव करे तो भी कनेक्टेड होगा, इसको रिमूव तो भी कनेक्टेड करो तो भी रिमूव वो होगा, और तुम दो को एक साथ करो तो भी वो होगा। वेट ए सेकेंड, हाँ तो दो को एक साथ हम थोड़ा झोल कर दिया, झोल मतलब डायग्राम हो गया, आई गेस इसमें जाके बताता हूँ। इसमें देखो तो तुम सी को रिमूव करो तो भी ये कनेक्टेड रहेगा, बी को करो तो भी कनेक्टेड रहेगा, ए को करो तो भी कनेक्टेड होगा, डी को करो तो भी कनेक्टेड होगा, और तुम बोल सकते नहीं सर हम दो दो करके करेगा, ठीक है दो दो करके करता, देखो हम बी और सी को रिमूव किया तो भी ए और डी रह जाएगा जो कि कनेक्टेड होगा, तुम देख सकते हैं ऐसा रह जाएगा, सिर्फ ऐसा ए एंड बी, क्यों? बी और सी को रिमूव किया। फिर तुम बोल सकते हो सर एक काम करता है ए और सी को रिमूव करता है तब डी और बी अपोजिट साइड्स में रह जाएगा, ठीक है ट्राई करता है ए और सी, तो ए और सी को अगर रिमूव कर देता है तो इधर डी इधर बी, दैट मीन्स बी एंड डी, पर तुम देख सकते हैं ये वाला डायगनल गायब नहीं होगा क्योंकि ये डायगनल इसमें ऑलरेडी है, तो भी देखो ये ग्राफ कनेक्टेड है। तो मतलब ये है कि किसी भी कंप्लीट ग्राफ में तुम कितना ही वर्टेक्स रिमूव कर लो वो कभी डिसकनेक्टेड बनेगा ही नहीं, मतलब कंप्लीट ग्राफ हमेशा ही कनेक्टेड रहेगा, इसमें कोई भी वर्टेक्स का रिमूव करने से वो डिसकनेक्टेड नहीं होगा। तो सिंस ऐसा कोई वर्टेक्स ही नहीं मिलेगा तो इसका के जी होगा जीरो, मतलब जीरो वर्टेक्स, ऐसा कोई भी वर्टेक्स को रिमूव करने से हमको नहीं मिलेगा। पर बाकी ये सब में देखो एक इसको एक एक रिमूव करने से ये डिसकनेक्टेड बन गया, तो इसका के जी क्या होगा, इसका के जी वन होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं वन वर्टेक्स कनेक्टेड, हालांकि वर्टेक्स कनेक्टेड ग्राफ ही बोलता है। सो ये था, इतना ही था इसके बारे में, फिर नेक्स्ट जाता है हम, देखो फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट, देखो इफ जी इज कनेक्टेड देन इट हैज ओनली वन कंपोनेंट, हमको मालूम है जी कनेक्टेड है तो उसका वन कंपोनेंट ही होगा, बिकॉज डिसकनेक्टेड होने से ही दो या दो से ज़्यादा होता है, पर अगर कनेक्टेड है तो वो खुद ही अकेला रहता है और उसी को खुद का कंपोनेंट बोलता है वो, बट अच्छा दैट इज इटसेल्फ जी इटसेल्फ, सो ऑन रिमूविंग ए वर्टेक्स वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। तो मीनिंग यही है कि कनेक्टेड ग्राफ से जैसे हम वर्टेक्स को रिमूव करेगा तो वर्टेक्स को रिमूव करते ही हमको क्या मिलेगा, एक हमको एक दो कंपोनेंट वाला या दो से ज़्यादा कंपोनेंट वाला डिसकनेक्टेड ग्राफ मिलेगा। वही बोला इसमें, वो एक स्टेटमेंट ही लिख दिया और कुछ खास नहीं लिखा इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला, इफ जी इज डिसकनेक्टेड इट हैज इफ जी इज डिसकनेक्टेड इट हैज एटमोस्ट टू कनेक्टेड एटलीस्ट टू कनेक्टेड कंपोनेंट्स एंड प्रोसीड सेम एज अबव एंड हेंस वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। तो ये बोला ये जी कनेक्टेड था और उसमें से हम वर्टेक्स रिमूव किया तो वो डिसकनेक्टेड बन गया, पर क्या पता जी ऑलरेडी डिसकनेक्टेड था और उसमें से वर्टेक्स रिमूव किया, फॉर एग्जांपल ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी तक हम तुमको जितना बताया उसमें सारा जी कनेक्टेड था और कनेक्टेड से वर्टेक्स रिमूव करते ही हमको डिसकनेक्टेड ग्राफ मिला, पर क्या गारंटी है कनेक्टेड ग्राफ ही हमेशा हो, क्या पता ऐसा रहा हो, वेट इसी कारण बता सकते कैसा रहा होगा, सपोज ऐसा रहा हो और ये एक रहा हो तो तुम देख सकता है ये एक जी है जो कि डिसकनेक्टेड ऑलरेडी, क्यों? इसका और इसका बीच में कोई एज नहीं है तो ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है।
अब इसमें अगर हम कोई वर्टेक्स रिमूव करता है, फॉर एग्जांपल हम इसको ही रिमूव करेगा, इसको रिमूव करते कौन सा गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब होते इससे रिलेटेड सारा एज गायब हो जाएगा। तो देखो जैसे इसको गायब किया तो इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ गया, एक दो तीन। तो तुम देख सकता है पहले दो था, जब डिस्कनेक्टेड था तब दो कंपोनेंट था, पर अभी भी जब हम वर्टेक्स रिमूव किया तब भी वो डिस्कनेक्टेड बना और उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इंक्रीज हो गया। तो इसमें ये बोला एनहेंस वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो इसी टाइप का वर्टेक्स को बोलता है कट वर्टेक्स या कट पॉइंट्स, जो जिसका रिमूवल से एक ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता है, और अगर ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है तो उसका नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इंक्रीज हो जाता है, मीनिंग वही है। तो आई गेस थ्योरम को रिमूव करता है, और आई गेस तुमको पता चल गया कि वर्टेक्स कनेक्टेड क्या होता है। इससे रिलेटेड भी हम लोग थ्योरम करेगा नेक्स्ट लेक्चर में, पहले इसके बाद तो हम एज कट शुरू करेगा, फिर ब्लॉक करेगा, फिर ट्रीज करेगा। तो ये तीन लेक्चर में ये सब खत्म करके उसके बाद वही एक्स्ट्रा थ्योरम से नॉल करवाएगा, प्रीवियस टेस्ट का करवा देगा और फिर नेक्स्ट टॉपिक में चला जाएगा। ओके, सो कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन मतलब क्या, ऐसा क्या है जिसके कारण हम लोग इसको कट पॉइंट या कट वर्टेक्स बोलते हैं, मीनिंग वही है, ऐसा क्या है, व्हाट मेक्स ए वर्टेक्स कट वर्टेक्स, मतलब एक वर्टेक्स को कट वर्टेक्स कब बनाया जाता है। तो वही हम बोला ये, जैसे किसी वर्टेक्स का रिमूवल हो जाए तो वो जिस किसी वर्टेक्स का रिमूवल का वजह से अगर वो ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाए तो हम लोग बोलते हैं वो कट वर्टेक्स है। जैसे कि थ्योरम देखो क्या बोला है, लेट वी बी ए पॉइंट ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ, यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड ग्राफ बोल दिया, अगर कनेक्टेड नहीं हुआ मतलब डिसकनेक्टेड हुआ तो डेफिनेटली उसका कंपोनेंट कनेक्टेड होगा। तो तुम कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली सवाल आता है कनेक्टेड का है। अगर तुम ऑलरेडी डिसकनेक्टेड ग्राफ किया जो कि बड़ा है तो उसका कंपोनेंट, ये जो तीन कंपोनेंट है या तीन से ज़्यादा या दो से ज़्यादा, ये तो कनेक्टेड होगा, तो जो भी करना हम लोग इसमें वर्क कर लेगा। तो कनेक्टेड हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, अगर कनेक्टेड है अच्छा बात है, नहीं है तो उस डिसकनेक्टेड ग्राफ का कंपोनेंट्स कनेक्टेड है उसमें हम लोग काम कर लेगा, मीनिंग वही है। इसलिए पर्टिकुलरली कोई फर्क नहीं पड़ता कनेक्टेड है या नहीं। ओके, नेक्स्ट पार्ट हूँ क्या बोला, गिवन जी इज ए कनेक्टेड ग्राफ, इफ सॉरी लेट वी बी ए पॉइंट ऑन अ कनेक्टेड ग्राफ, देन वी इज अ कट पॉइंट ऑफ जी, देन वी इज अ कट पॉइंट ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट यू एंड डब्ल्यू डिस्टिंक्ट फ्रॉम वी सच दैट वी इज ऑन एवरी यू डब्ल्यू पाथ। हम समझाते क्या बोला, मीनिंग ये बोला, ये सपोज हम लॉजिकली बताते हैं, लॉजिकली बताता हूँ। देखो ये एक जी है, अब इसमें से क्लियर से बात है हम इसको रिमूव करेगा, इसको रिमूव करेगा, इसको रिमूव करते तो मेरा क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, क्यों, क्योंकि इसको रिमूव करते ही ये चार एज गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो हमारा ये बन जाएगा जी माइनस, सपोज इसका नाम हम देता है वी, तो जी माइनस वी गायब हो जाएगा। तो जैसे जी माइनस वी गायब हुआ तो सीधा सा बात है, वही बोल रहा है इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट टू पॉइंट, एक पॉइंट क्या, यू मतलब इस ग्राफ में यू, वेट अ सेकंड, इस ग्राफ में एक पॉइंट यू होगा एंड इस कंपोनेंट में भी एक होगा वी, सॉरी नॉट वी, डब्ल्यू, जो कि इस वी से अलग होगा, मतलब यू और डब्ल्यू दोनों को वी से अलग होना है। तो हम इस पार्ट में बताता, मतलब यहाँ पे एक यू होना पड़ेगा, यहाँ पे एक वी होना पड़ेगा, नॉट वी, डब्ल्यू होना पड़ेगा, सच डेट योर यू और डब्ल्यू का बीच में एक पाथ होगा ही होगा, मतलब सच डेट यू और डब्ल्यू का बीच में जितना भी पाथ है सब में वी लाई करेगा। मीनिंग ये है, तुम देख सकते हो जब ये वी है तो यू और डब्ल्यू का बीच में जितना भी पाथ तुम लोग, फॉर एग्जाम्पल ये वाला लेते हैं, सपोज हम ये एक पाथ है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो हम इसको मान लेता डब्ल्यू, इसको मान लेता यू, सपोज मीनिंग वही है, क्योंकि इस कंपोनेंट में बोला ना यू पकड़ो तो हम इसको यू मान लेता। तो तुम देखो ऐसे ऐसे गया, हम लोग को वी से पास होना पड़ा, पर हम कलर चेंज करके येलो वाला लेता है, हम ऐसे जाए ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो भी W तक पहुंचा, पर हमको अल्टीमेटली V से तो पास होना ही पड़ा,
मतलब तुम यू से जाने के लिए, यू से डब्ल्यू तक जाने के लिए कोई भी पाथ इस्तेमाल करो, तुमको अल्टीमेटली ये वी से क्रॉस करना पड़ेगा। तो वही बोला कि ये वी यू और डब्ल्यू का बीच का एवरी पाथ मिलाया करता है, हम लोगों को यही प्रूफ करना है। ओके आई डोंट नो, हम ट्राई किया था डायग्राम से समझाने का क्वेश्चन का, अब समझ में आया या नहीं आया, अगर नहीं आया तो फिर से बोलेगा बैक करके देख लो थोड़ा ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि कभी कभी होता है जो जल्दी से फटक से दिमाग में नहीं बैठता क्या बोला वो रिपीटेडली देखने से पता चलता है। तो चलो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में क्या बोला है, गिवन जी इज ए कनेक्टेड ग्राफ, लेट जी बिलोंग्स टू वी जी, बी ए कट पॉइंट और कट वर्टेक्स। तो ठीक है, एक ग्राफ लेता जी और सपोज ये वी एक पॉइंट है जो कि कट वर्टेक्स है, तो जी माइनस बी क्या होगा, करीब हम अलग कलर से डिनोट करते हैं, ये जी माइनस बी इस नीला रंग, और जी माइनस बी बोलना मतलब जो भी ग्राफ हो ये बस वी को छोड़ के हम पकड़ लिया, तो ये हम बोलते हैं नीला इस जी माइनस बी एंड पीला इस ऑलरेडी जी, हम पहले बोले था पीला इस जी एंड नीला इस जी माइनस बी। तो सीधा सा बात है, जी माइनस बी में कॉम्पोनेंट्स हैं, तो लेट यू एंड डब्ल्यू बी द वर्टिसेस इन टू डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ जी माइनस बी। तो हम क्या करता है, दो कॉम्पोनेंट लेता है, सपोज रेड कलर ले लिया, एक इधर कॉम्पोनेंट एक इधर कॉम्पोनेंट, सपोज यहाँ यू यहाँ डब्ल्यू हम पकड़ लिया, तो हम दो कॉम्पोनेंट पकड़ लिया। सो नाउ देयर डज नॉट एग्जिस्ट यू डब्ल्यू पाथ इन जी माइनस वी ग्राफ। तो जो भी जी माइनस वी ग्राफ है तुम देख सकते हो यू से डब्ल्यू पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है, क्यों, क्योंकि जैसे वी हटा दिया नहीं है, क्यों, क्योंकि ये डिसकनेक्टेड है और ये दोनों कॉम्पोनेंट्स है, यू एक अलग कॉम्पोनेंट है डब्ल्यू एक अलग कॉम्पोनेंट्स में, एंड जी माइनस बी जो नीला बना था ये डिसकनेक्टेड बोली दिया, जिसके कारण ये दोनों अलग कॉम्पोनेंट है और अलग कॉम्पोनेंट होने के कारण यू और डब्ल्यू का बीच में कोई पाथ नहीं है। तो ठीक है, ये बोला जो कोई पाथ नहीं है दैट डज नॉट एग्जिस्ट, बट जी इज कनेक्टेड, बट जी इज कनेक्टेड था, तो जी अगर कनेक्टेड है तो सीधा सा बात है यू से वी तक एक पाथ होगा और वी से डब्ल्यू तक एक पाथ होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जी को डिसकनेक्टेड होना पड़ेगा, पर सिंस जी कनेक्टेड है तो यू से वी तक एक पाथ होगा ही होगा। हम कलर चेंज करके बताते हैं, सपोज ये रहो ये एक पाथ होगा और वी से डब्ल्यू तक भी एक पाथ होगा ही होगा, तो दैट इज तुम बोल सकते हो दैट इज देयर एग्जिस्ट यू डब्ल्यू पाथ इन जी, दैट इज यू वी डब्ल्यू इज अ पाथ इन जी। हम वही बोला कि यू वी डब्ल्यू, तो जब जी कनेक्टेड हुआ तुमको U से W पहुंचने के लिए V से पास करना ही पड़ा, हम यही समझाया, क्योंकि जब G माइनस V डिसकनेक्टेड था तो U और W का बीच में कोई पाथ था ही नहीं, पर V तो G में है और G कनेक्टेड था, तो मीनिंग ये है U से W को पहुंचने के लिए V का ही सहारा लेना पड़ा, उसको V के थ्रू ही आना पड़ा, सो V लाइज ऑन एवरी पाथ, यही प्रूफ किया है। ये आई गेस था जो यहाँ पे लिखा विच इज नॉट इन G माइनस V, hence there exist two parts U and W other than U such that U is on every V is on every U W path, ये क्वेश्चन वाला लिख दिया। Now conversely मतलब ये हम लोग को पकड़ना है से V is on every path on G joining U and V, मतलब इस बार हम बोल दिया ये V है ये U है ये W है तो हमेशा एक पाथ होगा ही होगा, तो thus meaning ये अगर पाथ हो गई तो रिमूविंग V, इस V को अगर रिमूव कर दे तो इस V को रिमूव करते ही इस वी को रिमूव करते देखो यू और वी वर्टेक्स का हमको दो कंपोनेंट मिल ही जाएगा, दो कंपोनेंट मिल ही गया। हम बोला था यू से डब्ल्यू पहुंचने के लिए वी एक सहारा था, अभी बोला ये क्वेश्चन में गिवन है ऐसे सहारा है और कोई रास्ता है ही नहीं, यू और डब्ल्यू का बीच यू से डब्ल्यू पहुंचने के लिए जो पाथ है वो वी के थ्रू ही जाता है, ये हम पकड़ लिया और कोई पाथ नहीं, इसका मतलब ये है यू से डब्ल्यू तक पहुंचने के लिए और कोई पाथ है ही नहीं, उसको वी से ही जाना पड़ेगा, पर जैसे ही हम वी को हटा दिया तो ये पाथ भी गायब हो गया, और ये पाथ गायब हो गया मतलब क्या, ये दो कनेक्टेड कंपोनेंट्स में रह गया, और दो कनेक्टेड कंपोनेंट्स में रहना मतलब वी को रिमूव करते ये जी माइनस वी डिसकनेक्टेड हो गया, तो सिंस जी माइनस वी डिसकनेक्टेड हो गया तो हम बोल सकते हैं वी इज द कट पॉइंट ऑफ जी। तो यही प्रूफ करना था, कुछ खास था नहीं है, तो ना समझ में आया तो तुम लोग पूछ सकता है। अब हम लोग जाता है डायमीटर ऑफ जी, जिसको डिनोट करता है डी आई ए एम ऑफ जी, तो डायमीटर ऑफ जी भी बोलता है, एंड डायमीटर ऑफ जी द मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ एन वर्टेक्स इन द ग्राफ। मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी से मतलब है मैक्सिमम लेंथ, मतलब सपोज
ये ग्राफ पकड़ लिया, सपोज ये यू है ये वी है, तो यू और वी का बीच में मैक्सिमम लेंथ ढूंढना है, नॉट ओनली यू एंड वी, एनी टू वर्टेक्स का बीच में मैक्सिमम लेंथ, उसी मैक्सिमम को हम लोग बोलेगा डायमीटर। सपोज हम बोलते हैं यू और वी का बीच में मैक्सिमम लेंथ है, तो देखो कैसे कैसे हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये एक तरीका है, या फिर एक और तरीका क्या है, 1 2 3 4 5, पर हमको 5 नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि अब तक हमको 6 मिल चुका। और कोई तरीका है देखा जाएगा तो सपोज, और एक लेता रेड, तो ये 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 ये, तो 1 2 3 4 5 6, तो तुम ऑब्जर्व करेगा कि यू से वी तक पहुंचने के लिए जो लेंथ ऑफ द पाथ होगा वो 6 होगा, मतलब 6 से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो सिंस मैक्सिमम लेंथ 6 है तो डायमीटर ऑफ जी बी 6 ही होगा, डायमीटर ऑफ जी बी 6 होगा। तो अल्टीमेटली डायमीटर ऑफ 6 ये होता है कि कोई भी ग्राफ का दो सबसे दूर डिस्टेंस वाला वर्टेक्स को ही हम लोग डायमीटर मानते हैं, मतलब यू एक कॉर्नर में होगा, वी एक कॉर्नर में होगा, और यू और वी का बीच में जितना यू और वी का बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग डायमीटर बोलेगा, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस। ओके, आगे जितना क्लियर रहा होगा, दैट इज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टेक्स, हम यही लिखा है यहाँ पे, देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कट वर्टेक्स कैन ए कनेक्टेड ग्राफ हैव। अब कोई भी एक कनेक्टेड ग्राफ ले लो, उसमें कितना कट वर्टेक्स हो सकता है, तो वो प्रेडिक्ट करने वाला कुछ नहीं हो, तो ग्राफ पे डिपेंड करेगा, पर कितना नहीं होगा मिनिमम हम लोग ये बोल सकता है। कैसे, देखो हमें बना रहा है ऐसे 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 बना दिया। अब तुम देखो, तुम अगर इसको रिमूव करता है, सपोज इसको रिमूव किया, तो इसको रिमूव करने पे क्या फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ये गायब हो गया, पर ग्राफ का डिसकनेक्टेड बना नहीं बना, यहाँ से यहाँ तक तो पाथ है, तो ये ग्राफ अभी भी कनेक्टेड है। तो जैसे ही तुम इसको भी रिमूव किया, तो इसको भी रिमूव करने पे तुम्हारा ग्राफ कनेक्टेड ही रहा, डिसकनेक्टेड नहीं हुआ। मीनिंग ये है कि एट लीस्ट हर एक ग्राफ में दो पॉइंट ऐसा रहेगा जिसका रिमूवल करने से ये ग्राफ कनेक्टेड ही रहेगा, डिसकनेक्टेड नहीं होगा। तुम कितना ही हटा दो, ये ग्राफ डिसकनेक्टेड ही कनेक्टेड ही रहेगा, डिसकनेक्टेड नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, अगर दो पॉइंट अच्छा से ज़्यादा रहेगा, तो मतलब अगर टोटल पॉइंट्स एन है, अगर टोटल पॉइंट्स एन है और दो पॉइंट कट पॉइंट्स नहीं है, तो एन माइनस टू पॉइंट्स कितना होगा, कट पॉइंट्स होगा। दो कट पॉइंट्स नहीं है तो एन माइनस टू पॉइंट कट पॉइंट्स होना होगा, मतलब एक ग्राफ में मैक्सिमम एन माइनस टू कट पॉइंट्स मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, मीनिंग वही है। तो इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट थ्योरम है, देखो, एवरी नॉन ट्रिवियल ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ कंटेन्स एटलीस्ट टू पॉइंट्स विच आर नॉट कट पॉइंट्स। तो मतलब हर एक ग्राफ में दो पॉइंट तो हो गए जो कट पॉइंट नहीं है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दो से कम नहीं होगा। तो हम क्या करेगा, हम बोलेगा लेट द अबव स्टेटमेंट बी फॉल्स, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए नॉन ट्रिवियल कनेक्टेड ग्राफ दैट हैज एटमोस्ट वन नॉट कट पॉइंट्स। तो हम ये चैलेंज किया था, दो से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो हम पकड़ लिया, ठीक है चलो दो से ज़्यादा ना सही, दो से कम पकड़ लेता है, तो एटमोस्ट वन नॉन कट पॉइंट्स, हम बोले चलो एक है इसके पास, दो नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि एन माइनस टू कट पॉइंट्स है और टू कट पॉइंट्स नहीं है। तो अगर हमको दिखाना है जो टू से ज़्यादा कट पॉइंट्स नहीं होता, सॉरी हम गलत बोलिया, एन माइनस टू से ज़्यादा कट पॉइंट्स नहीं होता, हम पकड़ लेगा कि सपोज एन माइनस टू से ज़्यादा कट पॉइंट्स है, एन माइनस टू से ज़्यादा कट पॉइंट्स है, मतलब क्या, इन दो वर्टेक्स में से हम लोगों को हमको किसी एक को कट पॉइंट्स बनाना पड़ेगा, तो बचेगा एक पॉइंट जो कि नॉन कट पॉइंट्स होगा, और हम वही पकड़ लेते, एक पॉइंट है जो नॉन कट पॉइंट्स है, बाकी सारा कट पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट यू कोमा वी बिलोंग्स टू वी ऑफ जी विद डी ऑफ यू कोमा वी इज मैक्सिमम। जैसे हम डी ऑफ यू कोमा वी मैक्सिमम बोल दिया, मेरा मीनिंग ये है डिस्टेंस ऑफ यू कोमा वी, डी ऑफ यू कोमा वी का मतलब है, डी ऑफ यू कोमा वी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी, डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी मीनिंग वही है। सो तो जब मैक्सिमम बोल दिया, तो अभी से बात है ये डी, इसी को डायमीटर होना पड़ेगा, इसी को डायमीटर होना पड़ेगा, तो ये डायमीटर है। अब क्या हुआ, सिंस वी हैव एटमोस्ट वन कट पॉइंट, अब हम बोली दिया वन कट पॉइंट है, क्वेश्चन में प्रूफ करना है दो है, दो से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब दो नॉन कट पॉइंट्स हैं और दो से ज़्यादा नहीं होगा। हम पकड़ लें सपोज एक नॉन कट पॉइंट्स हैं और एक से ज़्यादा नहीं होगा,
इसको हमको गलत साबित दिखाना है। तो अगर एक कट नॉन कट पॉइंट है तो हम पकड़ लेते हैं लेट वी बिलोंग्स टू वी जी बी द कट पॉइंट। अगर वी को हम कट पॉइंट मान लिया तो डेफिनेटली यू कट पॉइंट नहीं होगा। और वी को जैसे कट पॉइंट मानेगा तो हम बोल सकते हैं जी माइनस वी इज डिसकनेक्टेड। और जी माइनस वी अगर डिसकनेक्टेड तो डेफिनेटली इसमें एटलीस्ट दो कॉम्पोनेंट तो होगा, दो से ज़्यादा भी हो सकता है पर दो तो होगा। तो सपोज दो कॉम्पोनेंट है जी माइनस वी में रिमूव करने के बाद। नाउ लेट डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी जी बी वन ऑफ द कॉम्पोनेंट दैट डज नॉट कॉन्टेन यू। अब सीधा सा बात है, सपोज हम बोल देते हैं, हम पहले बोलते हैं, वापस हम क्लियर करते हैं इस चीज़ को। हम बोला जी एक ग्राफ है और वी यहाँ एक पॉइंट है जो कि कट पॉइंट है। हम बोला यू नहीं है, यू और वी दो पॉइंट है सच दैट यू और वी का बीच में डिस्टेंस बहुत बड़ा है। ये जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है। हम ये बोला जी यू और वी दो पॉइंट है जी में जिसका डिस्टेंस सबसे बड़ा है। अगर बड़ा तो हम दूर दूर ही रखते, वेट हम थोड़ा सा फिर बनाया था, सपोज यहाँ यू यहाँ वी, तो हम दूर दूर रख दिया। अब हम क्या बोला वी को रिमूव करते हैं, मेरा जी माइनस वी डिसकनेक्टेड बन गया। क्यों? क्योंकि वी कट पॉइंट था। तो जैसे वी को रिमूव किया तो क्या हुआ, ऑब्वियस बात है यू तो इंक्लूड होगा। तो ये जो नीला वाला बना ये मेरा डिसकनेक्टेड ग्राफ बना। और दो कॉम्पोनेंट तो एटलीस्ट होगा, तो हम बोल रहे थे एक कॉम्पोनेंट में यू आ गया तो दूसरा कॉम्पोनेंट में डब्ल्यू आ गया। हम ये बोल रहे हैं तो यहाँ पर वही लिखा ले डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी जी बीन वन ऑफ द कॉम्पोनेंट, कोई भी एक कॉम्पोनेंट हो बट उसमें ना हो जिसमें यू है, वही लिखा That does not contain you. उसमें वो जिसमें जू नहीं है, यू नहीं है, तो इसमें यू नहीं है इसलिए इसमें ले लिया हम। Then there we lies on every यू डब्ल्यू पार्ट। अब जब ये होता है तो अभी भी हम लोग थ्योरम प्रूफ किया, अगर वी कट पॉइंट होता है ये रहा, अभी भी हम लोग प्रूफ किया जब अगर वी कट पॉइंट होता है देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट यू एंड डब्ल्यू डिस्टिंक्ट फ्रॉम वी सच दैट वी इज ऑन एवरी यू डब्ल्यू पार्ट। ये भी अभी हम लोग किया। तो देखो यहाँ पे भी यू और डब्ल्यू है और वी इज द कट पॉइंट है, तो हम बोल सकते हैं वी लाइज ऑन एवरी यू डब्ल्यू पार्ट। तो अगर वी लाइज ऑन एवरी यू डब्ल्यू पार्ट दैट मीन्स ऐसा रहा होगा यू टू वी, वी टू डब्ल्यू, यू टू वी एंड वी टू डब्ल्यू रहा होगा कि यू डब्ल्यू पार्ट में वी है। तो ये हम कलर चेंज कर देते हैं, वेट ऐसा रहा होगा यू टू वी, वी टू डब्ल्यू, ये हो गया यू डब्ल्यू पाथ जिसमें वी रहा होगा। पर तुम देख सकता है यू टू वी लॉन्गेस्ट था पर यू टू डब्ल्यू जाने के लिए वी को क्रॉस करना पड़ा, मतलब हम लोगों ये एक एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करना पड़ा, एक्स्ट्रा लाइन ट्रेवल करना पड़ा या एक्स्ट्रा पाथ जो भी बोल लो। पाथ इसलिए बोल सकता है क्या पता बीच में पॉइंट्स हो, और बीच में पॉइंट्स नहीं है तो एज भी बोल सकता है, पर यूजली पाथ से ही डिनोट करेगा। तो एक एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करना पड़ा। पर हम क्वेश्चन में क्या बोला मैक्सिमम ही यू वी डिस्टेंस है और हमको एक ऑलरेडी एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ा, हम ये दिखा दिया। तो मैक्सिमम क्या बन गया मेरे लिए यू वी बन गया, क्योंकि हम बोला मैक्सिमम डिस्टेंस को ही डायमीटर बोलता है। तो सिंस यू में हमको दो पाथ मिल गया पी वन, सपोज इसको हम पी वन नाम दे दिया, इसको पी टू नाम दे दिया, तो हम बोल सकते यू वी में जाने के लिए हमको पी वन और पी टू दोनों के थ्रू जाना पड़ा, नॉट यू वी। यू डब्ल्यू में जाने के लिए हमको पी वन और पी टू दोनों के थ्रू जाना पड़ा, पर यू वी में जाने के लिए सिर्फ पी वन, और हम इसको मैक्सिमम पकड़ा था। पर हम दिखा दिया कि मैक्सिमम इससे भी ज़्यादा है कौन सा, पी वन और पी टू को लेके, ये हम दिखा दिया जो कि गलत है क्योंकि हम डायमीटर ही बोला था यू वी, पर हम बड़ा दिखा दिया। तो वही लिखा तो डी ऑफ यू कोमा डब्ल्यू, जो यू कोमा डब्ल्यू निकला डी इज ग्रेटर देन डी ऑफ यू कोमा वी विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? डायमीटर ऑफ डी डी यू कोमा वी बोला था, हम बोली दे रहा मैक्सिमम यू कोमा वी है पर हम उससे भी बड़ा दिखा दिया। तो हैंस वी इज नॉट ए कट पॉइंट। तो क्योंकि हम वी इज ए कट पॉइंट पकड़ा था इसलिए मेरा गलत निकला, तो इसलिए हम बोल सकते वी कट पॉइंट नहीं है। यू ऑलरेडी नहीं था और हम दिखा दिया वी नहीं है, तो हमको पता चल गया इससे दो एटलीस्ट दो तो कट पॉइंट है ही नहीं। तो हैंस एवरी नॉन ट्रिवियल ग्राफ ये है। आई डोंट नो कितना तक समझा होगा, पर नहीं समझा तो हम बोलता तुम लोग वापस से बैक करके देख सकता है, कोई डाउट हो तो तुम लोग हमको पूछ सकता है, ओके। और अगर तुम लोग सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करो। तुम लोग का मतलब तुम लोग का प्यार और सपोर्ट है जिसके कारण हम ये बना सक रहा है। सो तुम लोग जितना सपोर्ट करेगा उतना हम वीडियोज़ बना सकेगा, और कोई भी डाउट हो लिटरली तुम लोग हमको कॉन्टेक्ट कर सकता है। हाँ आजकल ऐसा हो रहा है जब हम शायद इमीडिएटली रिप्लाई नहीं दे पा रहा है, पर हम ज़रूर देगा, और हम ज़रूर देगा मतलब ये भी नहीं है जब 10 साल बाद देगा, विद इन वन डे टू डे दे देगा, क्योंकि मेरा भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो उसमें मेरा था होता है, पर हम विद इन वन टू टू डेज दे देगा। और हम पूरा ट्राई करेगा, चाहे ओवर फोन करना पड़े, तुम लोग अगर हमको कॉल करके भी पूछेगा तो हम ओवर फोन तुम लोग को हेल्प कर देगा, फोन में ही हम हेल्प कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको।
बस तुम लोग डाउट पूछो, तुम लोग पूछेगा तभी हम कर पाएगा, पर डाउट उसी में पूछो जितना तक हम पढ़ाया है, बिकॉज आगे का टॉपिक्स भी अभी हम पढ़ेगा, उसके बाद ही वीडियो बना रहा है। हालांकि पूछ सकता, पूछेगा तो हम फिर पढ़ के बता देगा, हाँ तो नहीं बता सकेगा मे बी, पर हम पढ़ के बता देगा तुम लोगों को, तो तुम लोग पूछ सकता किसी में भी डाउट। ओके चलो, थैंक यू, 1 मिनट, थैंक यू।